के ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से मैं पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रगण, छात्रगण, जीवन में हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि आप मेहनत करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही दिशा में किया गया मेहनत ही आपको सफलता के पथ पर अग्रसर कर सकता है। छात्रगण, क्वेश्चन बैंक का सहारा लें, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करें और अध्ययन की एक नई रणनीति बनाएं। छात्रगण, केवल पढ़ लेना, कोर्स का कंप्लीट हो जाना ही मैटर नहीं करता है, आपने उसे कितना ग्रास्प किया, आपके अंदर में वो कितना गया, आपके दिमाग में वो कितना अटा, आपने उसे कितने दिनों तक बनाए रखा, ये मैटर करता है। इसलिए छात्रगण, पढ़ाई में हमेशा स्मार्ट रणनीति का इस्तेमाल करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह रणनीति आपको निश्चित तौर पर सफलता के द्वार तक पहुंचा देगी, ये मैं दावा करता हूं। छात्रगण, आज इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रमुख अधिनियम, है ना। छात्रगण, ब्रिटिश सरकार के प्रमुख अधिनियम ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से कानून भारत में भेजे थे शासन को चलाने के लिए, है ना, हेडिंग बनाइएगा छात्रगण। ब्रिटिश सरकार के प्रमुख अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के प्रमुख अधिनियम, लिखिएगा छात्रगण, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट लिख लिया छात्रगण आपने, बहुत अच्छा। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया प्रथम अधिनियम था। भारत में भेजा गया प्रथम अधिनियम था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया प्रथम अधिनियम था। नेक्स्ट, इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न थी नंबर एक, कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे थे। नंबर दो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा लगा तथा इस पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। इस पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट, बंगाल में स्थापित द्वैध शासन जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था इस शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चार सदस्यों की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चार सदस्यों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट, भारत में शासन चलाने के लिए चौबीस सदस्यों से युक्त कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। छगन, क्या सवाल पूछे जाएंगे गौर कीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान भेजा गया प्रथम अधिनियम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था छगन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ध्यान रखिएगा। पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 में आया था। कब आया था छात्रगण? 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था छात्रगण? 1773 में आया था, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण। दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी, आपको ध्यान देना होगा, आपको मनन करना होगा, आपको स्मरण करना होगा, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा। छगन पूछेगा, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता में। कब स्थापित किया गया? 1774 में।
किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। छतगन, इनकी सहायता के लिए तीन अन्य न्यायाधीश भी थे। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे? छतगन, एलिजा इम्पे थे। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। यह भी बहुत ही हिट क्वेश्चन है। फिर पूछेगा आपसे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली या दोहरा शासन प्रणाली, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, किस गवर्नर जनरल ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो वारन हेस्टिंग्स ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। छतगन, भारत का शासन चलाने के लिए, केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 24 सदस्यों से युक्त कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। पूछेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे? 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी? तो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। छतगन, ध्यान रखिएगा, एक्सिक्यूटिव कमिटी ऑफ गवर्नर जनरल में कितने मेंबर्स नियुक्त किए गए थे? 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो छतगन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए हर पहलुओं को ध्यान दें, हर पहलुओं को मनन करें, हर पहलुओं से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को मनन करना होगा। पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं हुआ था? छतगन ऑप्शन नंबर 1 देगा, आपको ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 1 देगा छतगन, है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 देगा छतगन, आपको ध्यान देना होगा। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई। नंबर 2 देगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नंबर 3 देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई जिसमें 24 सदस्य थे। नंबर 4 देगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 5 निर्धारित कर दी गई। तो छतगन, क्या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 5 निर्धारित की गई थी? क्या यह सही है? जवाब होगा नहीं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 5 निर्धारित नहीं की गई थी, 4 निर्धारित की गई थी। तो छात्रगण, आप जब तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 निर्धारित की गई थी नहीं जानोगे, जब तक आप नहीं जानोगे कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, जब तक आप नहीं जानेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी जिसमें 24 सदस्य थे, जब तक आप नहीं जानेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया और वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, द्वैध शासन प्रणाली या दोहरा शासन प्रणाली किससे शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या होता है छतगन द्वैध शासन प्रणाली, दोहरा शासन प्रणाली? छतगन, वित्तीय शासन अलग और कानून व्यवस्था की स्थिति अलग, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अलग, उसका शासन अलग दे देना और वित्तीय प्रशासन अंग्रेज अपने पास रखते थे। जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था, टैक्सेस कलेक्शन का काम होता था, वो अंग्रेज रखते थे, और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के काम होते थे, हत्या डकैती लूटकांड अपहरण बलात्कार, इसका काम भारतीयों को दे देते थे। इसे ही कहा जाता था छतगन दोहरा शासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, है ना। दो प्रकार का शासन, वित्तीय शासन और कानून व्यवस्था का शासन, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का अध्ययन करें, एक एक चीजों को याद रखेंगे छतगन, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आइएगा छतगन, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, लिखिए, इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या
चांद से घटाकर तीन कर दी गई। नेक्स्ट, भारत का शासन चलाने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए छह सदस्यों से युक्त, भारत का शासन चलाने के लिए छह सदस्यों से युक्त युक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई गई। नेक्स्ट, इस अधिनियम को ब्रिटिश ताज, इस अधिनियम को ब्रिटिश ताज ताज के स्वामित्व स्वामित्व का पहला वैज्ञानिक दस्तावेज, पहला वैज्ञानिक दस्तावेज दस्तावेज कहा जाता है, पहला वैज्ञानिक दस्तावेज कहा जाता है जाता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास को, बंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया दिया गया। छतकन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से यह भी आता है, पूछेगा पीट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया था, तो छतगन पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, गौर कीजिएगा। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या चार से घटाकर कितनी कर दी गई थी, तीन कर दी गई थी। छतगन रेगुलेटिंग एक्ट में कितना था, चार, इसमें कर दिया गया घटा करके तीन, गौर कीजिएगा। भारत का शासन चलाने के लिए छतगन पीट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या स्थापित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कितने सदस्य थे छतगन, छह मेंबर्स थे, ध्यान रखिएगा, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत छतगन आया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसे अंग्रेजी क्राउन का पहला वैज्ञानिक दस्तावेज कहा जाता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है छतगन, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा छतगन। नेक्स्ट लिखेगा 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट 1793 देखिए, प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर,
20 वर्ष के अंतराल पर चार्टर एक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा जाता था, भारत भेजा जाता था जाता था नेक्स्ट फिर यह पहला चार्टर एक्ट था नेक्स्ट इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आगामी 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार की छूट प्रदान की गई पूछेगा चार्टर एक्ट कितने अंतराल पर भारत आता था 20 वर्ष के अंतराल पर भारत आता था छात्रगण पहला चार्टर एक्ट कब आया था 1793 में आया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कितने साल की छूट दी गई थी 20 साल की छूट दी गई थी आगामी 20 साल तक भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को छात्रगण ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए है ना ध्यान देंगे नेक्स्ट आइए छात्रगण नेक्स्ट तीर्थ निशानी हेडिंग बनेगा 1813 का चार्टर एक्ट अगला छात्रगण 20 साल बाद देखिए 1793 के बाद 20 जोड़ देंगे यहां 1813 आ जाएगा छात्रगण 20-20 वर्ष के अंतराल पे आता था लिखेगा 1813 का चार्टर एक्ट एक्ट देखिए इसके तहत भारतीयों की शिक्षा पर अंग्रेजों ने ₹1,00,000 प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया था नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए
नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। छतगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था, दूसरा चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। छतगण गौर कीजिएगा, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया था, गौर करेंगे छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछेगा आपसे इसी क्रम में, उसको भी आपको ध्यान देना होगा, उसको भी मनन करना होगा, उसको भी स्मरण करना होगा, उसको भी याद रखना होगा। पूछेगा किस चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों के शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था प्रतिवर्ष, 1813 का चार्टर एक्ट, एक अच्छी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा। छतगण फिर पूछेगा आपसे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की छूट तो दी गई, लेकिन किन शर्तों के साथ? दो प्रकार के व्यापार, चीन के साथ व्यापार करो और चाय का व्यापार करो, बाकी सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। छतगण गौर कीजिएगा, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, चीनी खाओ चाय पियो, है ना, तो चीन के साथ व्यापार करना है और चाय का व्यापार करना है, इसलिए चीनी खाओ चाय पियो, इस ट्रिक से याद रखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। छतगण, ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, जो कि 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। छतगण, किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह सुविधा दी गई थी, इसे भी ध्यान देना है। छतगण, तो छतगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों को छतगण याद रखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं छतगण, इसलिए आपको इनसे बचना नहीं है, इनका सामना करना है, ध्यान देंगे छतगण। तो 1813 के चार्टर एक्ट में छतगण क्या क्या हुआ है बताइए आप फिर से। भारतीयों की शिक्षा पर कितना खर्च किया गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा? 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष, है ना छतगण। दूसरी बात, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त तो किया गया, डॉक्टर ने सब कुछ खाने से मना कर दिया, लेकिन दो चीजों पर रोक नहीं लगाई, कहा चीनी खा सकते हो, चाय भी पी सकते हो, चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, चाय का व्यापार कर सकते हो, बाकी सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए छतगण 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। छतगण 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किस मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, एक एक चीजों को छतगण ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों का स्मरण करना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह भी अपने आप में बहुत ही हिट है, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी जबरदस्त रूप से आता है, पहले निगाहें आपको होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करेंगे छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। नेक्स्ट आइएगा छतगण, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ देना हो छतगण, देख लीजिएगा 20 1833 हुआ ना छतगण। चार्टर एक्ट कितने कितने वर्षों के अंतराल पे आता था? 20-20 साल के अंतर पे आता था। पहला एक्ट कब आया? 1793। दूसरा कब आया? 20 साल जोड़ दीजिए 1813। तीसरा कब आया? 20 साल जोड़ दीजिए 1833। अब अगला आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को किसका चर्चा करना है छतगण? 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ध्यान दें छतगण, लिखिए। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से
रोक लगा दी। रोक लगा दी। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, चौथे सदस्य को शामिल किया गया जो कि एक विधि अर्थात कानून से संबंधित, विधि अर्थात कानून से संबंधित, कानून से संबंधित सदस्य था, कानून से संबंधित सदस्य था, कानून से संबंधित सदस्य था जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था। नाम सुना होगा छात्रगण आपने, लॉर्ड मैकाले था। मैकाले था, था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार इस एक्ट के द्वारा, भारत में पहली बार इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में, 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई, लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, 1833 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया जिसके प्रमुख जिसके प्रमुख लॉर्ड मैकाले बनाए गए, लॉर्ड मैकाले बनाए गए गए। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, पहले भी मैं बता चुका हूं शतगन, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, याद है ना आपको, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक बनाए गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, व्यापारिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट, दास प्रथा का भारत से अंत कर दिया गया, तथा इसे अंतिम रूप से 1843 में समाप्त कर दिया गया। यह छतगन 1833 का चार्टर एक्ट और उससे जुड़े हुए प्रमुख बातें जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को स्मरण करना होगा। छतगन, चूंकि 1833 के चार्टर एक्ट में कई बातें हो रही हैं, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। छतगन, 1793 में आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एक्सटेंशन दिया गया, भारत में व्यापार करने के लिए छूट दी गई अगले 20 वर्षों के लिए। 1813 में आपने देखा कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार की छूट दी गई, बाकी सारे अधिकार छीन लिए गए छत्रगण। और 1833 में तो छत्रगण सारे व्यापारिक अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, न चीन के साथ व्यापार न चाय का व्यापार। इस तरीके से छत्रगण 1833 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भारत से पूर्णतः समाप्त करने में सहायक साबित हुआ, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छत्रगण, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, गौर कीजिएगा, दास प्रथा का अंत किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था, जिसे 1843 में भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया था। पूछेगा, प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। आज भी चल रहा है मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। छतगन, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति इतनी उच्च है, इतनी सर्वोत्कृष्ट है, इतनी सर्वोत्तम है, यदि भारतीय इसे अपना लेंगे तो फिर हमें भारत से बुढ़िया बिस्तर छोड़ के निकलना पड़ेगा। इसलिए इन्हें अंग्रेजी के रंग में रंग दो, इन्हें पश्चात सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग दो, इनकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दो, इनकी विरासत को खत्म कर दो। और छतगन, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दी, अंग्रेजी पढ़ने पर लोगों को न केवल जोर दिया बल्कि अंग्रेजी संस्कारों को अपनाने पर भी बल दिया। यही कारण है छतगन कि भारत की सभ्यता और संस्कृति अंग्रेजों की गुलाम होती चली गई, मानसिक गुलामी भी हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति से मिली थी। छतगन, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? छतगन, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। किस एक्ट के तहत इसने किया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया था। किस वर्ष किया था? 1835 में किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगन, पहली निगाहें। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि
अर्थात कानूनी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। छतगण, लॉर्ड मैकाले को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। छतगण यहां देखिए, आप सब चीज आपके सामने है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में छतगण सदस्यों की संख्या है 4। ठीक है छतगण, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में घटा के कर दिया गया 3, है ना छतगण, और 1833 के चार्टर एक्ट में फिर से कर दिया गया 4। गौर करेंगे छतगण, एक एक स्टेप को ध्यान रखिए। जिस प्रकार 1793 में आपने देखा छतगण, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के व्यापारिक अधिकार की छूट दी गई भारत में। 1813 में क्या किया गया छतगण, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार की छूट दी गई, बस। और 1813 में सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। स्टेप वाइज याद रखें छतगण, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा छतगण, सारे क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे। और यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप महेंद्र सिंह धोनी की तरह यार्कर बॉल को भी हेलीकॉप्टर शॉट की तरह छक्का मार के सीधे स्टेडियम से बाहर कर देंगे। यही छतगण प्रतियोगिता परीक्षाओं का नियम है जिसे अपनाना होगा आपको। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार का छूट कब दिया गया, 1793 में। चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार की छूट के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया कब, 1813 के चार्टर एक्ट। सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार पर रोक पूर्णतः लगा दिया गया कब, 1833 के चार्टर एक्ट। तो आप जब तक नहीं जानेंगे छतगण, तब तक इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की नियुक्ति कितने की गई थी, 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। किस एक्ट के तहत, 1773 के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, 4 सदस्यों से घटाकर 3 कर दिया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, चौथे सदस्य को फिर शामिल किया गया और वह विधि या कानून सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था। ध्यान रखिएगा छतगण, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो छतगण, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर पूर्णतः रोक लगा दी गई, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो छतगण, 33 का चार्टर एक्ट के तहत एक और बहुत बड़ा काम हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा छतगण, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था छतगण, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे छतगण, बताइए। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, सती प्रथा कांति इन्होंने किया था 1829 के 17वें अधिनियम के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गौर करेंगे छतगण, है ना। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया था, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अंतर को समझेंगे छात्रगण तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगे बढ़ पाएंगे, इसे आपको ध्यान देना होगा। तो छतगण, इसे गौर कीजिएगा, मनन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा और एक एक चीजों को दिमाग में सेट करके रखिएगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े। एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा छतगण, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को गौर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। आप हेडिंग बनेगा छतगण, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट लिखिए। इस अधिनियम के तहत आईसीएस की परीक्षा में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाने लगी तथा भारतीयों को भी
भारतीयों को भी इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति अनुमति प्रदान की गई अनुमति प्रदान की गई। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और पैनी निगाहें आपको रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों से अध्ययन करना होगा, गौर कीजिएगा। छतगन, क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब आपको देना है और किस तरीके से देना है, किस चीजों से देना है, इसे भी गौर कीजिएगा, इसे भी याद रखिएगा, इसे भी मनन कीजिएगा, इसे भी स्मरण कीजिएगा, इसे भी याद रखिएगा। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा ICS की प्रवेश परीक्षा में भारतीयों को अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की दी गई थी। छतगन, ICS की परीक्षा में पहले भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, केवल अंग्रेज चुने जाते थे इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, लेकिन भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मैकालो के प्रयासों से यह संभव हो पाया था। इस चीज को भी लिख लेंगे छतगन, लिखिएगा, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से भारतीयों को ICS की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी, पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा ICS की परीक्षा में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, 1853 का चार्टर एक्ट, किनके प्रयासों से, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से दी गई थी। छतगन, 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था छतगन, है ना, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, 1793 पहला चार्टर एक्ट, फिर 20 साल 1813 दूसरा चार्टर एक्ट, है ना छतगन, पहला दूसरा, 1833 तीसरा छतगन, फिर 20 साल जोड़ देंगे, 1853 चौथा और अंतिम। तो छतगन, चार्टर एक्ट कितने कितने वर्ष के अंतराल पे आता था, 20-20 वर्ष के अंतराल पे। पहला चार्टर एक्ट कब आया छतगन, 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 और चौथा और अंतिम 1853। ध्यान दीजिएगा छतगन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। तो छतगन, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगली कक्षाओं में हम लोग इससे आगे की बातों को जानेंगे और इससे आगे के चीजों पर चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेर शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।